के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को 2 ही सीट मिली है, 10 सीट विपक्षी गठबंधन के खाते में गई है। बिहार के रुपौली में भी सत्ताधारी जेडीयू की हार हुई है। हालांकि बिहार में विपक्ष को भी हार का मुंह देखना पड़ा है और निर्दलीय की जीत हुई है। अब रुपौली सहित उपचुनाव के नतीजों पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। देश की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर INDIA गठबंधन ब्लॉक को उत्साहित कर दिया है। INDIA गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के खाते में महज 2 सीटें आई हैं। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। लोगों को जानकारी हो गया है कि देश का मूड और जनता का मूड क्या है। जो मोदी मैजिक चलता था वह मोदी मैजिक आज के तारीख में ध्वस्त हो चुका है। रुपौली सहित देश भर की 11 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की हार हुई है। रुपौली में तो बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आरजेडी के साथ साथ सत्ताधारी जेडीयू के उम्मीदवार को भी हरा दिया। उपचुनाव के रिजल्ट पर अब राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। रिजल्ट पर आरजेडी सहित INDIA ब्लॉक के नेताओं के इतराने पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि उपचुनाव के रिजल्ट पर इतना इतराना ठीक नहीं, जबकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी हार की समीक्षा करेगी। देखिए, बाईपोल जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, उसका कोई देश में व्यापक वो प्रभाव नहीं होता है, न देश की चर्चा होती है। लेकिन जो परिणाम से हम लोग घबराने वाले नहीं, बहुत कम अंतराल वोटों से चुनाव हम लोग हारे हैं। तो किस कारण हम लोग चुनाव हारे हैं उसका मुख्य कारण लेकर विस्तृत जानकारी हम लोग लेने के ले रहे हैं। वही उपचुनाव के नतीजों पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू और आरजेडी दोनों पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा है कि जनता का आरजेडी और जेडीयू दोनों से ही मोह भंग हो चुका है। इसकी वजह है कि जनता के लिए काम न करना, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं, तो जिसका गुस्सा बीमार भारती जी को भी झेलना पड़ा। देश के 7 राज्यों में हुई उपचुनाव में मिली जीत से विपक्षी गठबंधन गदगद है, लेकिन नतीजों के बाद यूपी में बीजेपी और बिहार में जेडीयू के नेता हार की समीक्षा करने और आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।